एशिया कप 2023 जब ये शुरू नहीं हुआ था तब भी बवाल था, जब ये शुरू हुआ तब भी बवाल था, और अब चूंकि एशिया कप 2023 चल रहा है उस समय भी बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बात ये आ रही है कि श्रीलंका में अभी एशिया कप का आयोजन चल रहा है, पाकिस्तान में मैचेस हुए हैं, अब सुपर फोर का एक मुकाबला पाकिस्तान में है, उसके बाद सारे मुकाबले जो है एशिया कप के वो श्रीलंका में ही है, इंक्लूडिंग सुपर फोर्स एंड फाइनल वाला। अब बात यह है कि श्रीलंका में हो रही है बारिश, आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान मैच जो हुआ वो रद्द हो गया बारिश के कारण, जबकि वो तो कैंडी में था। अब जो सुपर फोर्स के जो मुकाबले वो होंगे कोलंबो में, और कोलंबो में ऑलरेडी बाढ़ के हालात हो गए हैं, तो इसके कारण अब ये आशंका जताई जा रही है कि कोलंबो के मैच जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं श्रीलंका के दूसरे शहर में, यानी कि हो सकता है कैंडी में हो जाए, हो सकता है दाम्बुला में हो जाए। हालांकि दाम्बुला का ऑप्शन थोड़ा सा ज्यादा चांसेस नहीं है दाम्बुला के कि भाई दाम्बुला में मैचेस होंगे, बट पल्लिकेले जो अभी फिलहाल जहां पर मैचेस हो रहे हैं, जहां पर अभी भी बारिश है, कभी आती है कभी जाती है, तो कैंडी शहर के पल्लिकेले के मैदानों पर एशिया कप 2023 के सुपर फोर वाले मुकाबले जो श्रीलंका में है वो हो सकते हैं क्योंकि बारिश है। अब जब इंडिया पाकिस्तान का मैच रद्द हुआ उसके बाद सोशल मीडिया पर बीसीसीआई को बहुत लताड़ा गया, बहुत ट्रोल किया गया, बहुत गालियां पड़ी कि भाई आपने एशिया कप यहां पर क्यों करवाया। अब इसी बीच जब बीसीसीआई का जो डेलीगेशन है जिसमें राजीव शुक्ला है और रॉजर बिन्नी है वो पाकिस्तान पहुंचे एशिया कप देखने के लिए, और वो वहां पर पहुंचे और उसके बाद एक रिपोर्टर ने जका अशरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है उनसे जब पूछा गया, अध्यक्ष है उनसे जब पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या कहा जाएगा कि जो पाकिस्तान में जो एशिया कप के अभी मैचेस बचे हैं, सुपर फोर का मुकाबला बचा है, क्या उसके अलावा जो श्रीलंका के जो मैचेस हैं क्या वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि श्रीलंका में बारिश ज़्यादा है। तो ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर भी आई है कि जका अशरफ ने जय शाह जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनसे संपर्क किया है, उनसे कहा है, रिक्वेस्ट किए कि भाई श्रीलंका के जो मैचेस हैं उन्हें आप पाकिस्तान में शिफ्ट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर बारिश वारिश का कोई अंदेशा नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो टीम इंडिया को फिर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब इस बारे में जब रिपोर्टर ने जका अशरफ से सवाल पूछा तो जका अशरफ ने कहा कि बीसीसीआई इस बारे में सोच रही है, एसीसी इस बारे में सोच रही है, और रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि भाई सचिव जय शाह जो एसीसी के मेन जो है कह सकते चेयरपर्सन है या फिर मेन कहें प्रेसिडेंट है या अध्यक्ष है, वो उन्होंने भी ये कहा है, जय शाह ने ये कहा है कि भाई एसीसी स्थिति पर नजर रख रही है। तो अब आपको क्या लगता है क्या एशिया कप के जो बाकी मैचेस हैं जो श्रीलंका में होने हैं क्या वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो पाएंगे, और अगर हुए तो क्या टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या फिर दुबई जैसा वेन्यू तलाश किया जाएगा या फिर पल्लिकेले में ही मैच कराए जाएंगे। आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए कि एशिया कप के बचे हुए मैच कहाँ पर होंगे, पाकिस्तान में होंगे या फिर श्रीलंका में ही होंगे। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।